खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लखनऊ में बीटीसी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है, निषादगंज अभ्यर्थी कर रहे हैं प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, परीक्षा रद्द होने से नाराज अभ्यर्थी, बीटीसी अभ्यर्थी का प्रदर्शन जारी है। एससीईआरटी में कर रहे हैं प्रदर्शन, परीक्षा रद्द होने से नाराज हैं ये अभ्यर्थी। लखनऊ में बीटीसी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, बीटीसी पेपर रद्द होने से नाराज अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें परीक्षा रद्द होने से नाराज हैं ये अभ्यर्थी। वहीं लखनऊ में बीटीसी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बीटीसी अभ्यर्थी परीक्षा रद्द होने से नाराज होने के चलते सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया है बीटीसी अभ्यर्थियों ने। आपको बता दें परीक्षा रद्द होने से नाराज अभ्यर्थियों ने जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। संवाददाता स्निग्धा रितेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी स्निग्धा, जैसा कि बीटीसी अभ्यर्थियों की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्या कुछ इनका मामला शांत कराने के लिए प्रशासन कार्रवाई कर रहा है? देखिए, प्रशासन ने अभी कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की है, हालांकि आश्वासन इनको जरूर मिला है। और आपको बता देंगे, जब से योगी सरकार आई है लगातार पेपर लीक होने के मामले सामने आते जा रहे हैं। और ये ही वाक्या हुआ है कौशाम्बी में, सोमवार से जो इनकी परीक्षा होनी थी, चतुर्थ सेमेस्टर की इनकी परीक्षा होनी थी, तो उसके पेपर लीक हो गए थे और उसी वजह से ये लोग नाराज होकर और परीक्षा लीक होने के पेपर लीक होने के बाद परीक्षाएं जो रद्द कर दी गई हैं। तो इसको लेके खासी नाराजगी है इन लोगों में, क्योंकि इन लोगों का भविष्य जो है वो अधर में अटका हुआ है। और आज ये लोग एससीईआरटी में लखनऊ में निषादगंज स्थित जो ये कार्यालय है वहां पे ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर कहना इनका ये है कि हमें सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन जब तक कोई ठोस कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं होती है तो ये अपना धरना इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रखेंगे, इसको और उग्र भी कर सकते हैं। और अगर इनकी मांगों की बात करें तो साफ तौर पर इनकी दो मुख्य मांगे हैं, जो आने वाले समय में इनकी तीन परीक्षाएं होनी थी 6, 7 और 8 अक्टूबर को, ये चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए और उसके बाद अगली जो परीक्षा है उसको भी ये चाहते हैं कि जल्द कराया जाए आगे, जिससे कि ये जो इनकी भर्ती की परीक्षा होती है उसमें ये शामिल हो सके। क्योंकि अगर इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाएगा तो ये भर्ती की परीक्षा से वंचित हो जाएंगे और इनका सीरियस साफ तौर पर जो भविष्य है वो अधर में अटक सकता है और इनको जो है उस तरीके का मौका नहीं मिल पाएगा। जी स्निग्धा, प्रशासन इनकी मांगों और इनके भविष्य को लेकर कितना गंभीर नजर आ रहा है? देखिए, अभी प्रशासन की तरफ से कोई भी आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही किसी प्रशासन ने आगे प्रशासनिक अधिकारी ने आके बात की है, मीडिया से कोई बात की है। हालांकि इन लोगों से जरूर बात हुई है, तो अभी सिर्फ एक वर्बल आश्वासन दिया गया है, इस पर कोई भी ऐसा ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही उसकी कोई उम्मीद जताई गई है। जी स्निग्धा, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका।